हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ डाउट्स हैं जो कि मैं आज की इस छोटी सी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। अब बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। आप सब जानते हो लगभग 48,000 पद इसमें आने वाले हैं, 48,593 इसमें पोस्ट होंगी। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को डाउट है वो है सिलेबस को लेकर, ठीक है, सब्जेक्ट्स जो हैं उसके सिलेबस को लेकर डाउट आ रहा है मोस्टली जो अभी सामने आए हैं। तो भाई, मैं अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं, आप सब जानते हो कि इसमें चार सब्जेक्ट्स होंगी। चार सब्जेक्ट्स कौन कौन सी होंगी? हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ। ये चार आपके सब्जेक्ट्स रहने वाली हैं। अब आपको ज़्यादा डाउट इसलिए है कि भाई इनका सिलेबस क्या हो सकता है, तो सीधी सी बात है, ये जो भर्ती है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है 10वीं पास। तो मानकर चलिए इनका जो सिलेबस है, ठीक है, ये जो चार सब्जेक्ट आने वाले हैं इनका जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक का आपका सिलेबस आने वाला है। एक चीज़ क्लियर कर दी। दूसरी चीज़ कि इसमें कितने पेपर होंगे, सीधी सी बात है सिर्फ और सिर्फ एक पेपर आपका होगा, सिर्फ एक पेपर होगा, ठीक है, कोई प्री मेंस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, कोई हम हाइयर पोस्ट के लिए हम नहीं ले रहे हैं कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, तो कोई प्री कोई मेंस कोई ऐसा नहीं है, एक सिंगल एक पेपर होगा जिसमें ये चार सब्जेक्ट्स आएंगे। इतने सारे कमेंट्स आए बच्चों के जब स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऐप पे सर ने वीडियो बनाई, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ये भी आ रखे हैं कि क्या इसमें RSCIT चाहिए? तो इसमें कोई RSCIT नहीं चाहिए। हाँ, तो RSCIT आपको कब चाहिएगा? RSCIT आपको ये प्रमोशन जब लेना हो, प्रमोशन की बात करेंगे उसमें आपको RSCIT चाहिए। तो इसमें आपको नो RSCIT, कोई RSCIT नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए पास की, बस 10वीं पास। अब प्रमोशन की मैं बात करूं, जो जिसकी सबसे ज़्यादा आपको उत्सुकता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो प्रमोशन है वो LDC की पोस्ट पे के लिए होता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो ग्रेड पे है वो 1700 ग्रेड पे है, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 1700 ग्रेड पे है, और आपका जो प्रमोशन है वो LDC पे होगा 2400 ग्रेड पे पर। तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 12वीं पास होगा और जिसके पास RSCIT का डिप्लोमा होगा, ठीक है, प्रोमोशन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए भाई? आपको 12वीं पास होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर यानी RSCIT का डिप्लोमा होना चाहिए, तब आपका प्रमोशन LDC की पोस्ट के लिए कर दिया जाएगा। कई एस्पायरेंट ऐसे हैं जिनको ये जानना है कि भाई प्रमोशन कितने सालों में हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि प्रोमोशंस का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। ओके, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा। किसी डिपार्टमेंट में 4 से 5 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा, किसी किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन में 6 से 7 साल भी लग सकते हैं। तो ये प्रमोशन का फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, 4 से 5 साल में भी हो सकता है, 6 से 7 साल में लग सकते हैं। हम एक एवरेज माने लगभग 5 साल में आपका प्रमोशन LDC की पोस्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है, 4 से 5 साल हम एवरेज मान रहे हैं आपके प्रमोशन में। तो ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है उसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है
सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी भी बाकी रह रही है कि भाई इसकी जो विज्ञप्ति है, इसकी जो विज्ञप्ति है वो कब आएगी। तो भाई विज्ञप्ति जो है वो मार्च 2025 में आएगी, और एग्जाम कब है, तो एग्जाम इसका होगा 18 से 21 सितंबर 2025 को, 18 से 21 सितंबर 2025 को इसका एग्जाम होगा, और विज्ञप्ति आपकी आ जाएगी मार्च 25 में। जिन स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है, आपको विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना है, आपको अभी से तैयारी कर लेनी है, स्टार्ट कर देनी है। जो 10वीं पास के जो मेरे भाई बहन हैं, किसी कारणवश उन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दी और अब वो चाहते हैं कि यार मुझे भी कुछ नौकरी चाहिए, मुझे भी एक सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन मेरे पास हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप मानस बना सकते हैं इस भर्ती की तैयारी करने का और इसमें अपनी एक सीट श्योर करने का, सुनिश्चित करने का। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती आपकी आएगी, इस भर्ती के लिए फ्री जो कंटेंट है वो हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देने वाले हैं। इंग्लिश का कंप्लीट कंटेंट, इंग्लिश कंप्लीट जो इंग्लिश आपकी होगी वो मैं आपको लर्न विद रजनी पे करवाऊंगी। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर चलेगा। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। हम चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की कंप्लीट तैयारी आपको करवाने वाले हैं, सही तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और सही मार्गदर्शन आपको देंगे। अब मैं बात करूं, इसके साथ ही हमारे पटवार के लिए इंग्लिश का जो मैटर है, इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर लर्न विद रजनी पर करवाया जा रहा है, और अदर जो जैसे पॉलिटी है, जैसे राजस्थान जीके है, वो स्मृति के ऊपर आपको मिल जाएगा। पटवार की टेस्ट सीरीज हमारे स्मृति के एप्लीकेशन पर 10 तारीख से, ठीक है, ये देखिए 10 तारीख से चल चुकी है। आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, हर एक पेपर को आप पीडीएफ में ले सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, आप अपनी रैंक देख सकते हैं। साथ ही वीडियो की जो टेस्ट सीरीज है वो भाई 17 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। पटवार वीडियो के लिए कंटेंट हम स्मृति पे ला रहे हैं, साथ ही साथ लर्न विद रजनी पे ला रहे हैं। अच्छा, एक चीज, जो एस्पायरेंट ये चाहता है कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है और मुझे इंग्लिश का एक डेडिकेटेड बैच चाहिए जो जिसमें सारे एग्जाम्स का कंटेंट मुझे मिल जाए इंग्लिश का, आप हमारे दुर्गा बैच का हिस्सा बन सकते हैं, इन तीनों को अगर आप प्रोमो कोड यूज कर लेंगे FIRST100, तो FIRST100 स्टूडेंट्स के लिए आपको 20% की आपको फी में आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो ये चतुश्रेणी के बारे में हमने बात की है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहां पर रिप्लाई देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ओके। और अगर आप लर्न विद रजनी स्मृति कोचिंग क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।